तो आप क्या हुए फिर सी कांग्रेस इज एंटी हिंदू बट यू आर प्रोपोग एंड एंटी हिंदू स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आई नेम डी अदर वन आर टी आर टी का अमेंडमेंट जो नाइनटी थर्ड आपके हाथ हा से स्वकृति से वो पास हुआ पार्लियामेंट में दस साल से वो लगा हुआ है थाउजेंड ऑफ हिंदू स्कूल अगर मैं एंटी हिंदू गवर्नमेंट होता चला रहा होता एक स्कूल बंद नहीं होने देता एक स्कूल के बंद होने का मतलब है वो सारे पीपल्स नॉन हिंदू रन स्कूल में जाएंगे जो कि पुअर हैं फुटपाथ पर चल रहे हैं और आपने अभी बताया आपके स्कूल में क्या होता था वो सारे हिंदू बच्चों के साथ वो हो रहा है डू आई ब्लेम दिंदू बच्चे नो आई डोंट पढ़ना नहीं है उनको I don't blame you for going to that. I myself went to a Christian uh, college. I There was a church, a chapel. People would preach, come to preach. There was music, singing. There was Rose prayer. After that, there was a prayer. There was a prayer. Roze, the, Jesus said, "I am the light of the world. He who followeth me shall." I have forgotten what the thing was. So it was sometimes in our face. It was subtle, but it was there at all times. So should I blame the Hindu kids? No, I don't. सरकार ने क्या किया यार आपने तो लेजिस्लेशन पास करवा दी आपको खुद चिंता नहीं है और आप कांग्रेस को ब्लेम करते जा रहे हो तो यार ये लोगों को दिख नहीं रहा या दिख रहा है मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है लेकिन आप प्लीज ब्लेम मत करो कांग्रेस को आप यू आर प्रोपोगेटिंग दैट सो डोंट ब्लेम द कांग्रेस हिंदू टेम्पल्स का एक्ट लाए नाइनटीन में अंडर नेहरू एंडाउमेंट्स एक्ट आपके पास ये कितने बीस तीस साल थे आपने उसको किया नहीं आप तो ज्यादा टेम्पल्स को कंट्रोल में ले आए और उल्टा रैशनलाइज और कर लिया कि भाई कंट्रोल नहीं हटाएंगे तो फिर कास्टिज्म so, you know, है मोर यू फाइंड ऑल पोलिटिकल पार्टीज आर द सेम उन्नीस बीस का फर्क है यू नो कांग्रेस का एटलीस्ट एक चीज अच्छी है की गवर्नमेंट ने अवॉर्ड दिया आ, ने करने के भी उनको किया गया <laughs> शर्मा उसकी गलती क्या है भाई बता दो कोई मुझे? मैं, चलो ठीक है मैं वो आईसी ब्राइट से पूछ रहा हूँ ठीक है वो नहीं बताएगा ठीक है मैंने बीजेपी वालों से पूछा है वो क्यों नहीं बता रहे यार किसी मिनिस्टर की हिम्मत हुई कहने की मोदी जी यूर रॉन्ग एक मिनिस्टर नहीं खड़ा हुआ बाहर क्यों देखो यार अपने अंदर ही अपने गरीबान में के देखो और उसकी जिंदगी बर्बाद हुई हुई है दो ढाई साल से यू you नो know? और वही है मैंने अभी वो लल्लन टॉप से मेरा वो हुआ था हाँ। नाथझो कोई थी उन्होंने बोला था कि वो फैक्ट किया। किया। तो वो झूठ बोला उन्होंने ऊपर से मैंने कहा कि जब वो दिव्य कीर्ति को आप बुला रहे हो जब उन्होंने एंटी हिंदू कोई चीज सपोज वाल्मीकि रामायण वाली कही थी तब तो किताबें उठा के ले आए थे तब तो उसको बता दिया कि फैक्ट चेक किया इस केस में क्यों नहीं किया बट अगेन इट वॉज इ मेटीरियल टू मी आई वॉज जस्ट एक्सपोजिंग द रैंक हिपोक्रेसी ऑफ दो सोल्ड आउट पीपल आज करूं कल कर करूं सौ बार करूं उससे क्या किसी को क्या फर्क पड़ता है यार वो तो लोग जानते हैं वो ललन टॉप कैसा है प्रॉब्लम मेरी उन लोगों से नहीं है मैं बार बार वही कह रहा हूं

यू you नो know, इतनी गंदी गंदी बातें कहीं नूपुर के अगेंस्ट तब वो बेचारी उसकी जान को खतरा लूज टंग टंग लूज है शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ कन्हैया लाल लाल कन्हैया शी इज एंड इवन द कोने जो महाराष्ट्र हाँ, हाँ, आग लगा दी इसने उसके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आउटरेज हुआ सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा ये so, औरों को कितना दोष दोगे यार कभी तो अपने अंदर झांक के देखो भाई यू you नो know? मैं वो उन सब लोगों से कह रहा हूं बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं उसमें से मुझे गाली दोगे कब से कब उसके लिए तो खड़े हो जाओ नपुर के लिए उसकी गलती के ये बता दो पोअर थिंग कांट स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस अभी वो गई थी वोट देने दस सिक्योरिटी गार्ड से घिरे हुए थे एक होली स्क्रिप्चर को कोट करने की ये ये उसकी वो है रिवॉर्ड है उसका दस लोग घिरे हो ये देश पे चल रहा है हमारे और सब खुश हैं कि नहीं 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 हिंदू खतरे में हिंदू खतरे में आपकी वजह से किसी और की वजह से नहीं है आपकी वजह से हिंदू खतरे में है सॉरी मुश्किल हो जाते उसके लिए लोग रीजन ये देते कि वॉट यू से अब, कर लिया, <laughs> है, अब मैं आप यही चीज अगर बोलते कि ये इसमें ऐसा होता है

कि नहीं था ये बता दो बस अपने लोग नहीं बता रहे यार और उसे क्या पूछूं मैं यूरोस्ट डिस्पॉन्डेंसी जो चल नरेटिव वॉर ऑन द इंडिक साइड इन सच सर्कमस्टांसिस की जो ऐसे लोग हैं या ऐसे यूट्यूबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल एज पालकी शर्मा से जर्मन कॉकरोच hmm. तो ये जो ऐसे यूट्यूबर्स है इनको कांग्रेस से या बाकी और एंटी इंडिया एलिमेंट्स से फंडिंग मिल रही है उनको yeah. आ, ये आ, क्या कह सकते हैं उनको प्रमोशन हो रहा है उनके एड्स रन हो रहे हैं पर जो इंडिक यूट्यूबर्स है इंडिक नरेटिव बिल्डर्स है उनको कहीं उतना एक्सपोजर ना तो मतलब गवर्नमेंट हेल्प तो ऑब्वियसली नहीं करती है बट एटलीस्ट एक्सपोजर मिल जाए तो वो वो भी नहीं मिलता सी देखिए इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगा आप co-opt हो गए आप को ऑप्ट होना चाहते थे अब वो आपने वो जर्मन यूट्यूबर की बात कही ही वॉन्टेड टू बी को ऑप्टेड सो ही हैज बीन को ऑप्टेड I mean I don't honestly वो अपना good luck to him उसका propaganda मैं पहले भी expose कर चुका हूँ जब वो क्या democracy in danger ये वो पूरा यार recently तो और बढ़िया था he said कि वाइस गवर्नमेंट बिल्डिंग हाईवे हाँ वो भी उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन तो और खराब था साइकिल चलाओ साइकिल चलाने उसके बाद वो किसी ने उसको जब कहा कि वो जो उसने कहा कोर्ट करने के बाद तो कह रहा है कि देखो वो सिटी की सड़कों के ले आया कि देखो यहाँ पे मैं ये सो ऑब्वियसली वॉज रेटल ही रैंक इग्नोरेंस एंड इेड इैशनल नेचर ऑफ ऑल दीज पीपल इट्स नॉट माई जॉब भाई उनको वो पैसा कमा रहा है गुड लक टू हिम वो जैसे ये कह रहा है कि करप्शन बढ़ा है और जो जो ऑपोजिशन स्टेट्स में जो वो मोदी को एक्यूज़ कर रहा है उसे टेन टाइम्स ज़्यादा ऑपोजिशन स्टेट्स में हो रहा है सबको पता है कि नहीं पता है अभी बंगाल में क्या चल रहा है क्या पिछले तीन दिन से क्या चल रहा है कोई आया हुआ रिएक्शन वहाँ से डेमोक्रेसी का अंत आ रहा है लिखा हुआ बैनर्स पे नहीं आ रहा है. तो वो प्रोपागेंडा कर रहा है वाई शुड आई बी अनॉइड विद हिम